ये है बरेली शहर का नवीन मंडी स्थल, जहाँ पर किसानों द्वारा अपने धान की खरीद फरोख्त होती है। पिछले काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान के दिल दिल्ली के चारों ओर किसानों ने जिस मिनिमम समर्थन मूल्य को लेकर धरना दे रखा है, उसी MSP यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य पर यहाँ पर धान की खरीद होती है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ किसानों से मुलाकात हुई जो पिछले काफ़ी दिनों से अपना धान लेकर इस मंडी पर आए हुए हैं, और उनके धान को 5 दिनों से खुले आसमान के नीचे ख़राब होने को छोड़ दिया गया है। ना ही उनके धान का समर्थन मूल्य उन्हें उपयोग मिल रहा है और ना ही उनके धान की तुलाई सही प्रकार से हो रही है। आइए बातचीत करते हैं हम यहाँ मौजूद कुछ किसानों से और जानते हैं आखिर हकीकत क्या है। भाई साहब, मेरा नाम राजीव अंगवार है, मैं एक किसान हूँ और करीब काफ़ी समय से मैं धान के तुलाई के लिए, मैंने जब पहले रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने डेट ली, डेट मिली मुझे, डेट 30 मिली थी, 30 को मिली मुझे, तो 30 को मैं अपना धान यहाँ लेके आया ट्राली में, तो मुझसे कहा गया कि आप अपना धान जगह जगह, एक जगह चार जगह मेरे से थोड़ा थोड़ा करके डलवाया गया, तो मैंने चार जगह यहाँ धान उतारा। 30 तारीख की घटना है, 30 तारीख से लेके 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, लगातार इतने दिनों मैं रात दिन यहाँ रहता हूँ, रात दिन इसको देखता हूँ। यहाँ आने वाले पशु, गाय, घोड़े, भैंस इतने हैं कि कम से कम 10 क्विंटल का तो ऐसे ही हमारा नुकसान हो गया, जबकि रात दिन जागने के बाद इस खुले आसमान में, इस ठंड के मौसम में इतनी मेहनत से पैदा करने के बाद आज हमारे धान की स्थिति है, आप देख सकते हैं। 5 दिन से लगातार चक्कर काट रहा हूँ, अधिकारी कहते हैं कि आपका काम होगा, सरकार कहती है कि सरकार किसान हितैषी है, बार बार ये बात कहती है और अधिकारी भी यही बात कहते हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के रूप में कुछ चीज़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ जो बैठा स्टाफ है, जो लोग हैं, जो वास्तव में ज़मीन पे जिम्मेदार हैं, जिनको काम करना चाहिए, उनका व्यवहार इतना ही घृणित व्यवहार है किसानों के प्रति है कि जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी इस तरह के कमेंट करते हैं जैसे किसान नहीं होना कोई अपराध है। किसान सरकार हर रोज़ ये कहती है कि किसान को MSP मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा, लेकिन आज MSP की आप हमारी हालत देखिए, 5 दिन से जो मैं धान लाया था उसका 20% तो हमारा ऐसे ही नुकसान में चला गया, और ये धान मैंने 5 अक्टूबर से निकलवाया है, 5 अक्टूबर से आज 4 दिसंबर होने जा रही है, इतने दिनों तक मैंने वेट किया, इसको रखा, सुखाया, भंडारण किया, उसके बाद मैं यहाँ लेके आया हूँ, और आज भी ये चीज़ आज भी ऐसे ही खुले आसमान में पड़ी है और हम धक्के खा ही रहे हैं। तो ऐसे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, ये समझ नहीं आता, ये सिस्टम क्या करना चाहता है, किसान की नस्ल को ही ख़त्म करना चाहता है क्या? ये नहीं चाहते कि किसान इस देश में जिए, किसान इस देश में रहे, इनका अपना क्या एजेंडा है? अब 4 दिनों से मैं रात दिन यहाँ रहता हूँ, आज 5वें दिन उससे कह रहे हैं कि आपका धान खराब है, आपका धान नहीं तुलेगा, आप इसको वापस ले जाइए। अरे जब मैंने जब इतना लेके आया 4 दिन पहले साहब आपने उतरवाया, तो आपने हमसे कोई शब्द नहीं कहे, और आए दिन कमेंट करते रहे आज नहीं तुलेगा, कल तुलेगा, यहाँ आया तक अरे तुम तो आ गए हो, ऐसे आ गए हो जैसे अभी तुम्हारा तौल देंगे, मतलब इस तरह का व्यवहार क्या, इन किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में सिस्टम जा रहा है, समझ नहीं आता। दे देते हैं और जिस देर में देते हैं उस देर का ही हो सकता है, अगर भीड़ हुई तो उसे अगले दिन कहिए भाई इस देर में नहीं दे पाएगा, अगले दिन ये नहीं कि उसे यहाँ पे 2 दिन या 4 दिन रुकवाएं। हमारे सेंटर पे हाँ शुरू में एकदम शुरू में व्यवस्था क्योंकि बहुत शुरू में एकदम धान आया था, लेकिन अब कोई किसान आदमी ये नहीं कर सकता हाँ 10 दिन से पड़ा है या 5 दिन से पड़ा है। इनका इसलिए पड़ा रहा कि वही मैटर बताया ना कि ज़्यादा धान तो एक सेंटर तक नहीं है, इसलिए 4 दिन गिरा दिया था, अब वो सेंटर बंद हो गई, उस एजेंसी वाले हैं उनका थोड़ा सा अलग चलता है। हमारे मार्केटिंग में कहीं पर भी आप ये बता सकते हैं कि आदमी आए परेशान हो या वो दौर साफ करें। नीचे बड़ा मैदान, ऊपर खुला आसमान, आखिर क्यों परेशान है किसान? जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने यह बताया कि हम किसानों को परेशान होने का मौका नहीं देते, हम उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं, लेकिन तब भी देश का अन्नदाता परेशान है, आखिर सिस्टम में क्या झोल है? जो भी है, शासन और प्रशासन को तुरंत इस मामलों को अपने संज्ञान में लेकर किसानों के इन समस्याओं का समाधान तुरंत रूप से करना चाहिए। बरेली लाइव से मैं सचिन भारतीय।